मेरे पास एक कमेंट आया, तेरा भाई 30 साल का हो गया, अब वो कभी ठीक नहीं होगा। क्यों? उम्मीद पे तो दुनिया का आया मैं। यही उम्मीद हमारी खुदा से भी है, जो भी होगा भविष्य में अच्छा ही होगा। खैर छोड़ो, भाई के लिए आइसक्रीम लेते हैं और मैं आइसक्रीम लेके ऊपर चढ़ी, मेरा भाई गेट पे ही खड़ा हुआ था, उसको पता था उसकी बहन उसके लिए आइसक्रीम लेके आएगी और आइसक्रीम भेजी है मम्मी जी ने। मस्त अपनी एक आइसक्रीम साइड से पकड़ के फिर हम दोनों भाई बहनों ने साथ मिलकर खाई। और इस लड़के को देखो, सारा दिन कुछ ना कुछ सामान बिगाड़ता ही रहता। ये छोटे भैया के पैकेट है, ये देखो कैसे दांतों से फाड़ा और फेंक दिया। ऐसे काम बिगाड़ते हमारे बड़े भैया। और आज बरसों बाद हमारे घर में बन रहा है बूंदी का रायता। पन्नी की आवाज हमारे भाई के कानों तक पहुंच चुकी थी, तुरंत आ गए थे कि बहन कुछ ना कुछ तो तिगड़म कर रही है और आ गए। क्या करे, देनी पड़ेगी फिर बूंदी। भाई थी 10 रुपए की, बंदे थे 4। फिर क्या, हमने अपना भारतीय नुस्खा अजमाया, रायते में 4 गिलास पानी मिलाया और बन के रेडी हो गया हमारा पतला पतला रायता। आहा, हमने इसको चटनी के साथ खा के देखा तो मजा ही आ गया बे, बहुत ज्यादा।